हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरा कुमार और हैप्पी नीराज किचन में गृह लक्ष्मी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। तो चलिए, आज मैं तीन चीजें मेथी से बनाने जा रही हूं। एक बना रही हूं मेथी के पॉपर्स, मेथी पॉपर्स। एक बना रही हूं मैं मक्की मेथी के नगेट्स और एक है तड़के वाली हरी मेथी की इडली। मैं इडली से शुरुआत कर रही हूँ ताकि उसको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिल जाए। तो चलिए, उसके लिए मुझे लेना है दही, लेना है सूजी, लेना है ये सूजी आधा कप है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें मैं डालूंगी एक छोटा मीडियम आकार का, मतलब यानी कि इतना बड़ा कच्चा आलू, जिसको कि मैंने ये देख लीजिए कद्दूकस करके रखा है, और एक टेबलस्पून के लगभग गाजर करी है। ये थोड़े पानी के साथ है तो मैं इसका पानी निचोड़ के इसमें मिला दूंगी। अब इसमें मैं, क्योंकि ये मैंने आधा कप लिया है और इसमें 1/4 कप बेसन पड़ेगा, तो ये मैं 1/4 कप, आप कहिए तो मैं नाप दूं, नहीं तो ये 1/4 कप, ये देख लीजिए बेसन है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसके अंदर पड़ेगा दही आधा कप, ये देख लीजिए, ये मैंने दही डाल दिया। और इसमें मैं डाल रही हूं ये मैंने हरी मिर्च को बहुत जरा सी अदरक के साथ पीस के रखा है, तो ये डालूंगी मैं, ये देखिए ये मैंने डाल दी। अब बात रही मेथी की, तो मैं अब मेथी डालने के लिए आधा कप मेथी लूंगी, आधा कप ले ली। ये इसलिए पहले कर रही हूं क्योंकि सूजी पड़ी है तो थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। और इसमें मैं ये जीरा, राई, दाल उड़द की, थोड़ा सा करी पत्ता, इसका तड़का लगाऊंगी मैं और हींग। उसके बाद में ये मैं मेथी इसमें डाल दूंगी, ये देखिए थोड़ी सी हींग ली है। और एक टेबलस्पून तेल लिया है मैंने, राई थोड़ा सा उछलने लगे थोड़ी उछल कूद मचाए अपनी, तब मैं आपको बताती हूँ। ये राई हो जाएगी तो जीरा और ये दाल डालूंगी, हींग डालूंगी, तो ये डाल दिया, आप देखिए होने लगा, आवाज आपको भी आ रही होगी, तो ये डाल दिया। और ये डाल दी मैंने, दाल हो जाए थोड़ा सा, ये देखिए, ये हींग डाल दी और अब ये तड़का लगा दिया। ये देखिए बस इसको मुझे थोड़ा सा, मतलब कहना चाहिए कि दबाना है कि हाँ भाई दब जाए। और इसकी एक और जो ट्रेड सीक्रेट है कि बाय चांस आपको लगे कि आपकी मेथी जो है वो कड़वी हो गई, ये देखिए मैं भूल गई थी करी पत्ता डालना, थोड़ा सा ही था मेरे पेड़ में, मैं चलिए मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। ये देखिए एक छोटी चम्मच के लगभग मैंने ये पिसी चीनी डाल दी है ताकि इसका कलर भी इंटेक्ट रहेगा। और ये देखिए हो गया, अब इसको मैं इसमें मिलाती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी, 1/4 कप पानी डाल रही हूँ
और जब ये लगेगा कि भाई पानी की और जरूरत है तो मैं डाल दूंगी इसके अंदर, ये देख लीजिए ठीक है। और आपको एक चीज बोल दी, एक कप, एक छोटा आलू जो मैंने आपको दिखाया इसको छील के, ये तो उबला हुआ है, इतना ही बड़ा मैंने कच्चा आलू लिया था, उसको कद्दूकस करके इसमें मिलाया है। और एक टेबल स्पून ये गाजर जो होती है इसको कद्दूकस करिए, सिर्फ एक टेबल स्पून, ये देखिए ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए अलग रखती हूँ। ये मेरा इडली का तैयार है, इसमें मुझे खाली थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी मिर्च डालूंगी, इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। और इनो डाल के मैं इसको कर दूंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की, मेथी पॉपर्स है ना। मैं इसमें जो हूँ ये मेथी के पकौड़े मान लो आप थोड़ी देर को, और जो मैं बना रही हूँ उसको आप अगर शैलो फ्राई करना है तो अपने अपा पात्रों यदि आपके पास है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी देख लीजिए, ये मेरा है आधा कप, ये देख लीजिए भिगोया हुआ 2 घंटे के लगभग साबूदाना है, ये देख लीजिए ठीक है। और इसमें ये पड़ेगा एक आलू कद्दूकस किया हुआ, ये उबला हुआ है ये? हाँ ये उबला हुआ है, मैंने बताया था अभी, ये पड़ेगा। और आधा कप पड़ेगी इसमें मेथी, ये देखिए, ये देख लिया आपने, मैंने इसको धो के और बारीक काटा है दोस्तों कि ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, ये देख लीजिए है ना, ये। क्योंकि उसको थोड़ा सा इडली के लिए रेस्टिंग टाइम चाहिए, तो मैंने सोचा जब तक उसको रेस्टिंग टाइम चाहिए अब इसमें मैं मिर्च मसाले मिला दूंगी थोड़ा थोड़ा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है और 1/4 कप ये मेरा चावल का आटा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हमने जिससे कि ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए इसलिए मैंने डाला है, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, ये देखिए ये हो गया है। ये इसमें भी मैंने ये डाला है हरी मिर्च है, जरा सी अदरक के साथ पीसी हुई थी वो डाला है, और हरा धनिया होगा, हरा धनिया दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा डाल सकते हैं, नमक तो दोस्तों आप सब अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं ठीक है ना। नमक डाल दिया, मिर्च हो गई, धनिया हो गया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला ये डाल के और इसको मैं करती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाल दिया, देखिए लाल मिर्च आपकी मर्जी पर है, चटपटा खाना है तो आप डालिए, नहीं खाना है चटपटा तो आप बिल्कुल मत डालिए। ये भी हो गया, थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है ना, मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। और इसके सिवा मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। तो मैंने कहीं से कुछ नहीं खरीदे हैं, बहुत से लोग खरीद के बढ़ा लेते हैं, मेरे जितने हैं सब जेन्युइन हैं। ये देखिए दोस्तों आप एकदम पास मत लाइए थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। ये देखिए कितने बढ़िया आए, देखा सबने, एकदम सुनहरा आप कर लीजिए और देखिए आप
बना के रख लीजिए। यदि आपके पास एयर फ्रायर है तब तो कहने ही क्या, पार्टी का सीजन शुरू हो गया है, इनको उसमें करिए। और देखिए कितने क्रिस्पी हैं, क्योंकि चावल का आटा पड़ने से ना थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाता है। टूथपिक लगा दिया। अब मैं जो हूँ देखो, इडली का बैटर थोड़ा हो गया होगा, पहले इडली का काम कर देती हूँ, उसके बाद में दूसरा काम करूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, अब इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, नमक डालूंगी थोड़ा सा, ये देख लीजिए। धनिया डालूंगी, ये देखिए देखिए इडली 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 सब आज सब कुछ चीजें मेथी पर ही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ठीक लग रहा हो। और दोस्तों मैं इसकी एक टिप आपको दूंगी जरूर, कि आप जब भी मतलब मेथी आप ज्यादा सादी ले आए, उसको धो के काट लें, और उसके बाद में जैसे कि मैंने इडली के लिए तड़का लगाया था ना, ऐसे ही सारी मेथी को आप घी या तेल या जो आपकी मर्जी हो उसमें, राई और करी पत्ता नहीं डालिए, सिर्फ हींग डाल के उसमें तड़का लगा के और उसका थोड़ा पानी सुखा लीजिए, और उसको आप या तो फ्रीजर में रख सकते हैं, नहीं तो उसके जो आइस क्यूब जमाने वाला है उसमें जमा सकते हैं, या फिर आप फ्रिज में भी 4-5 दिन तक उसको रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आपको जरूरत हुई आपने आलू छौंके, उसमें आपने मेथी डाल दी, आपको मेथी का पराठा खाना है तो आपकी मेथी कटी और छुकी रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, और बहुत ही मतलब टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा अगर आप तड़का लगा के उसको करते हैं तो। ये मतलब ये है, ये मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब आ गई है मेथी तो मैं ऐसे ही करूंगी। ये मक्की का आटा है और ये मैंने मक्की का आटा लिया हुआ है, ये आधा कप है मक्की का आटा, और इसमें मैं कहाँ गई मेरी मटर, वन फोर्थ कप, ये देखिए कच्ची मटर है, इसको मैंने मतलब मोटा मोटा इसको कुचल लिया है मिक्सी से। ये डालूंगी 1/4 कप ये कटी हुई मेथी डालूंगी, और थोड़ा सा दही डालूंगी, दही बाद में डालूंगी, ये मैं इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो ये है मेरा घर का पिसा अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप नहीं खाते तो खाली आप अदरक ही डालिएगा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च,
थोड़ा ही चाट मसाला है थोड़ा सा, तो ये सब लेके और दही, दही मैं बाद में जितना इसमें लग जाएगा मैं उतना ही दही यूज करूंगी जो मैं ये बना रही हूँ। अगर आप सब्जी में डाल देंगे ग्रेवी बना के तो ये उस तरह से सब्जी बन जाएगी। और वैसे आप इसको है जब ये इसको स्टीम देना है दोस्तों, इसको लगभग 20 मिनट के लगभग स्टीम देना पड़ेगा। शैलो फ्राई कर लीजिए, नाश्ते में चाट मसाला भर रखिए, थोड़े से तिल डालिए और आप इसको उस तरह से भी खा सकते हैं। ये देखिए, इसको अभी मैंने भून रही थी, ये देखिए नींबू डाल देती हूँ जिससे ये काला ना हो। और इसमें थोड़ा चिकना कर दिया है इसको, और कुछ नहीं, हो गया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ ये देख लीजिए। अगर नाश्ते के लिए रखना है तो आप जो है उसको आप तेल के साथ कर लीजिए, अगर आपने ग्रेवी के साथ सब्जी के साथ खाना है तो इसको मैंने बचा लिया। अलबत्ता और बन रहा है लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, इसको भी बना के आप रख सकते हैं, है ना। देखती हूँ इडली कितनी हुई है, नहीं हुई होगी तो जो मेरी रखी है मैं उसके साथ दिखाऊंगी। मसाले, चाट मसाला और जो भी कुछ डालना है ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप जैसे चाहें वैसे करें। लेकिन ये सर्दियों में ऐसी अच्छी चीज है कि बच्चे जो है बच्चे सभी खा लेंगे इसको। ये भी आपको दिखा दूं, ये अभी स्टीम नहीं हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अब मैं प्लेटिंग करती हूँ, ठीक है। इसकी खुशबू दोस्तों इतनी अच्छी आ रही है और इतने सॉफ्ट बने हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि हार्ड है। दोस्तों देखिए, ये मेथी के पॉपर्स, ये मेथी की इडली और ये मेथी के टके पैसे या नगेट्स जो भी आप चाहें कह लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों डिशेस मेथी की आपको जरूर पसंद आई होंगी।